Hi, grade 4. In previous class, I had explained you about adverb of frequency. And we have also revised all the types of adverbs. We'll just quickly go through this again. Adverb are the words which tells us about, which tells us more about adjective, verb and other adverbs in the sentences. वो हमें दूसरे ही उसी के वर्ब्स, हमारे जो वर्ब्स होते हैं या फिर हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं या फिर उसी सेंटेंस में दूसरे एडवर्ब्स आए हैं उसके बारे में बहुत ज्यादा बताते हैं. राइट. एडवर्ब ऑफ मैनर. इफ विल आस्क द क्वेश्चन हाउ विल गेट द आंसर फॉर एडवर्ब ऑफ मैनर. हमें अगर पूछना है कि ये कैसे हुआ तो विल गेट द आंसर ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर. हरिंद्र लाफ्स लाउडली. हाउ हरिंद्र इज लाफिंग? लाउडली. और अली प्लेज गिटार वेरी वेल. हाउ ही इज प्लेइंग? वेरी वेल. सैम मूव्स अराउंड क्लम्सिली. हाउ ही इज मूविंग? क्लम्सिली. सो इफ विल आस्क द क्वेश्चन अबाउट हाउ विल गेट द आंसर ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर. एडवर्ब ऑफ टाइम. एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स अस व्हेन द एक्शन इज happened. मतलब वो एक्शन कब हुई उसके बारे में बताता है. इफ विल आस्क द क्वेश्चन व्हेन विल गेट द आंसर फॉर एडवर्ब ऑफ टाइम. द डॉक्टर विल सी यू टुमारो. व्हेन द डॉक्टर विल सी यू? टुमारो. कैन वी गो आउट नाउ? कैन व्हेन वी व्हाट व्हेन वी कैन गो? नाउ. वी प्लान टू गो टू आगरा. व्हेन? आगरा टुनाइट. When we are planning to go to Agra? Tonight. So, this all are the words of adverbs of time. As I said, if we'll ask the questions when, we'll get the answers for adverbs of time. Now, adverb of place. Adverb of place tells us where this action is being done. So, if we'll ask the question where, we'll get the answer. Adverb of place. For example, come here. Come where? Here. So, here is the adverb of place. Hope this is clear. Now, adverb of frequency. Adverb of frequency tells us how many times this particular action is done. If we'll ask how often or how many times, we'll get the answer for adverb of frequency. When just say, I seldom go to watch movie. How many times you go to watch a movie? Seldom. मतलब कभी कभार, एक आध बार गलती से. यूजुअली. प्रांजल इज यूजुअली लेट टू स्कूल. हाउ मेनी टाइम्स प्रांजल इज लेट टू स्कूल? यूजुअली. यस. नाउ विद दिस वी हैव ऑल्सो कंप्लीटेड एक्सरसाइज ई एंड टुडे आई एम स्टार्टिंग विद एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. एडवर्ब ऑफ डिग्री हमें बताता है कि ये कौन से वे में हुआ है, कौन सी इंटेंसिटी के साथ हुआ है. जैसे एडवर्ब्स ऑफ डिग्री टेल्स अस अबाउट द इंटेंसिटी और द डिग्री ऑफ द एक्शंस. मतलब कि उस चीज को हम पर्टिकुलरली नाप नहीं सकते. वी कैन नॉट मेजर दैट थिंग. हम उसको ना ही काउंट वाइज नाप सकते हैं, ना ही उस पर्टिकुलर जगह को जा सकते हैं, ना ही उस पर्टिकुलर टाइम की बात कर सकते हैं. लेकिन हम उसकी इंटेंसिटी या फिर उसकी डिग्री माप सकते, डिग्री एक्सप्रेस कर सकते हैं. जैसे इट वॉज एन एक्सट्रीमली लॉन्ग स्पीच. वो बहुत ज्यादा लंबी स्पीच थी. एक्सट्रीमली लॉन्ग. राइट. फ्रीक्वेंसी और डिग्री के बीच में कंफ्यूज नहीं होना. क्यों कंफ्यूज नहीं होना? क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमें कितनी बार एक्शन हुई वो बताता है एंड डिग्री हमें एक्शन कौन से वे में या फिर कितनी इंटेंसिटी के साथ हुई है वो बताता है. सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड डिग्री. यस. नाउ It was an extremely long speech. How? Like, कैसी speech?
मैं हाउ भी नहीं बता सकती क्योंकि हाउ हमें मैनर का टाइप बताता है और डिग्री हमें इंटेंसिटी बताती है. सो इट वॉज एक्सट्रीमली लॉन्ग स्पीच. यस एक्सट्रीमली इज एडवर्ब ऑफ डिग्री. नेक्स्ट ईयर विल स्टडी अ टोटली न्यू सब्जेक्ट. नेक्स्ट ईयर हम पूरा नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे. सो टोटली इज डिग्री एडवर्ब ऑफ डिग्री. सीमा री रोड द स्टोरी कंप्लीटली बिफोर सेंडिंग टू द पब्लिशर. सीमा ने पब्लिशर को भेजने से पहले स्टोरी पूरी वापस से लिख ली. इन द सेंटेंसेज अबाउ एक्सट्रीमली टोटली एंड कंप्लीटली टेल्स अस द डिग्री ऑफ समथिंग. वो हमें बताते हैं कि कितनी इंटेंसिटी के साथ ये एक्शन हुई है. सो दिस इज ऑल अबाउट. नाउ आई विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट एडवर्ब द डिग्री गिवन इन द ब्रैकेट्स. आपको ब्रैकेट में दोनों एडवर्ब ऑफ डिग्री दिए हैं. यू हैव टू चूज अकॉर्डिंगली. इनफ बस बहुत हो गया. हार्डली हार्डली मतलब कभी कभी. वेरी ज्यादा. ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमेशा या फिर कंप्लीट होने के लायक. ऑलमोस्ट इट इज अबाउट टू कंप्लीट ऑल. पार्टली आधा या फिर पोर्शन. जैसे अगर एक ग्लास पानी है और उसमें से इतना भरा है. द ग्लास इज पार्टली फिल्ड. ग्लास पार्टली भरा हुआ है. थोड़ा भरा हुआ है. वेरी वेरी इज बहुत ज्यादा. इनफ इनफ आई सेड. क्वाइट 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 मतलब ये वो वाला चुप वाला क्वाइट नहीं है. ये क्वाइट है अच्छा खासा. क्वाइट मीन्स अच्छा खासा. इनफ इनफ ऑलरेडी आई टोल्ड यू. ऑलमोस्ट ऑलरेडी आई टोल्ड यू. वेरी एंड सो. सो मतलब हाँ इसलिए. ठीक है. सो नाउ एक्सरसाइज एफ. देर इज हार्डली एनी वॉटर इन द बॉटल. पानी में अब बहुत कम पानी बचा था. लता वॉज वेरी बिजी सो डिड नॉट कॉल. सो शी डिड नॉट कॉल. लता बहुत ज्यादा बिजी थी इसलिए उसने कॉल नहीं किया. नंबर थ्री. दिस बुक पार्टली कवर्स द हिस्ट्री ऑफ विजयनगर. ये जो बुक है पार्टली मैंने बताया ना हिस्सा पोर्शन. ये इस बुक में विजयनगर के बारे में पार्टली थोड़ा ही इंफॉर्मेशन कवर हुआ है. हिस्ट्री का थोड़ा ही इंफॉर्मेशन कवर हुआ है. नंबर फोर. द बिल्डिंग इज क्वाइट टॉल. मैंने बताया ना क्वाइट टॉल अच्छा खासा. अच्छा खासा टॉल है. अच्छा खासा लंबा है. राइट बिल्डिंग की बात हो रही है. नंबर फाइव. आर यू इनफ टू टच द सीलिंग. आर यू टॉल इनफ टू टच द सीलिंग. क्या आप उतने लंबे हो कि आप सीलिंग मतलब छत को टच कर सको. ये जो हमारी ऊपर की छत होती है ना इसे सीलिंग कहते हैं. सो आर यू टॉल इनफ टू टच द सीलिंग. नंबर सिक्स. द फोर्ट इज सो एनॉर्मस दैट इट टेक्स आवर्स टू सी ऑल ऑफ इट. मतलब सो एनॉर्मस. एनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा. फोर्थ फोर्ट. फोर्ट इज सो एनॉर्मस. फोर्ट इतना बड़ा है कि इसको घूमने में इसकी सारी चीजें देखने में घंटों लग गए. राइट नाउ एक्सरसाइज जी. फिल इन द ब्लैंक्स विद द एडवर्ब्स ऑपोजिट्स इन द मीनिंग ऑफ दोज गिवन इन द ब्रैकेट. मैंने आपको सारे एडवर्ब के टाइप्स इसीलिए रिपीट करवाए क्योंकि ये एक्सरसाइज में सारे मिक्स्ड में है. ठीक है. एंड यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स. यू हैव टू जस्ट री राइट. यू हैव टू राइट द सेंटेंसेस विद देयर ऑपोजिट्स. ठीक है. नाउ नंबर वन. शी ट्रीटेड हर चिल्ड्रेन क्रूअली. उसने अपने बच्चों को क्रूअली ट्रीट किया. सो द ऑपोजिट ऑफ क्रूअल इज काइंडली. शी ट्रीटेड हर चिल्ड्रन काइंडली.
द वर्ड्स हैव बीन स्पेल्ड करेक्टली, जो वर्ड्स जो बोले गए वो करेक्टली स्पेल्ड, स्पेल्ड मतलब उसके स्पेलिंग्स करेक्टली लिखे गए हैं. सो ऑपोजिट ऑफ करेक्टली इज रॉन्गली. सो द वर्ड्स हैव बीन स्पेल्ड रॉन्गली. वी मस्ट चीव द फूड क्विकली टू डाइजेस्ट इट प्रॉपरली. क्विकली इज फास्ट फास्ट एंड ऑपोजिट ऑफ क्विकली इज स्लोली. सो वी मस्ट चीव द फूड स्लोली टू डाइजेस्ट इट प्रॉपरली. खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए इसलिए हमें खाने को धीरे धीरे चबा के खाना चाहिए. नंबर फोर, सोहिल इज ऑलवेज लेट. सोहिल हमेशा लेट आता है. सो ऑपोजिट ऑफ ऑलवेज इज नेवर. सो माय आंसर इज सोहिल इज नेवर लेट. सोहिल कभी लेट नहीं आता है. नंबर फाइव, मोहम्मद वॉज टॉकिंग टॉकिंग रूडली विथ हिज गेस्ट. मोहम्मद अपने गेस्ट से रूडली बात कर रहा था. सो ऑपोजिट ऑफ रूडली इज पोलाइटली. मोहम्मद वॉज टॉकिंग पोलाइटली टू विथ हिज गेस्ट. नंबर सिक्स, ये ट्रेन सेल्डम मतलब एकाध बार गलती से. एंड ऑपोजिट ऑफ सेल्डम इज मोस्टली. द ट्रेन सेल्डम अराइव्स ऑन टाइम. माय ब्रदर इज प्लेइंग आउटसाइड. मेरा भाई बाहर खेल रहा है. सो ऑपोजिट ऑफ आउटसाइड इज इनसाइड. माय ब्रदर इज प्लेइंग इनसाइड. मेरा भाई अंदर खेल रहा है. If I complete my work now, I can play sooner. मतलब मैं जल्दी से खेल पाऊंगा. Sooner का opposite होता है later. If I complete my work now, मैं अभी अपना काम खत्म कर लूंगा, मैं बाद में खेल सकता हूँ. I can play later. Hemant visit his cousins very often. Often मतलब बहुत ज्यादा बार उसको मिलने जाते हैं. हेमंत जो है वो अपने कजिन्स को बहुत बार मिलने जाते हैं. सो ऑफन का ऑपोजिट होता है रेयरली. हेमंत विजिट्स हिज कजिन्स रेयरली. वो कभी कभार अपने कजिन्स को मिलने जाता है. नंबर टेन, निशा स्पीक्स डैश विथ एवरीवन लाउडली. निशा स्पीक्स लाउडली विथ एवरीवन. निशा सबसे लाउडली बात करती है. सो ऑपोजिट ऑफ लाउडली इज सॉफ्टली. निशा स्पीक सॉफ्टली विथ एवरीवन. निशा सबसे सॉफ्टली बात करती है. सो होप दिस इज क्लियर. योर टुडेज होमवर्क इज विल कंप्लीट एक्सरसाइज एफ एंड जी इन टेक्स्ट बुक. दिस इज फॉर द डे. बाय.